सत श्री अकाल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे देश दुनिया के सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टेज स्पैशल दे नाल मैं हरशरण कौर तुहाडे रूबरू हां। सब तो पहला चंडीगढ़ तो वड्डी खबर आ रही है। चंडीगढ़ दे विच SGPC दी अहम मीटिंग हुई है। फिलहाल मीटिंग खत्म हो चुकी है। मीटिंग दौरान केड़े केड़े अहम मुद्दों ते चर्चा हुई है इस बारे SGPC वालों एक प्रेस मिलने विच जानकारी दी जाएगी। तो चंडीगढ़ विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक हुई है। बैठक के किस मुद्दों पर चर्चा हुई है, किहड़े किहड़े मुद्दों बारे विचार की गई है, इस बारे ज्यादा जानकारी लई मेरे सहयोगी जगतार भुल्लर फोन लाइन पर मौजूद ने। जी जगतार, SGPC की मीटिंग विच किहड़े किहड़े मुद्दों पर विचार हुई है, की एजेंडा रहा, की जानकारी है? देखो दसना चाहूंगा कि काफी महत्वपूर्ण मीटिंग आई और खुल के जिहड़े एजेंडे आ, काफी एक एजेंडे का कह सकते बड़ा बंडल आ गया, जिससे हर झंडे से खुल के गल्लां कीतियां गईयां, विचार विकांदरा कीता गया गा। और इस मीटिंग की प्रधानगी खुद अवतार सिंह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रहे हैं। पर खास करके जिहड़ा झंडे जिहड़े विभागी झंडियां तो इलावा जिहड़ा सब तो महत्वपूर्ण झंडा है वो है कि जिहड़ा पंज प्यारां दा जिहड़ा हले भी विरोध चल रहा है उस पर ज्यादा चर्चा की जा रही है। हालांकि अजे जथेदार अवतार सिंह अजे मीडिया के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन कह सकते हैं कि जिहड़ा मेन जिहड़ा मकसद है कि जिहड़ा पंज प्यारियां दी जिहड़ी तबादले जां उहनां दे नियुक्तियां नूं लै के जिहड़ी पड़चोल की जा रही है, ते उस तो बाद बाकी जिहड़े झंडे विभागी जां जिस तरह गुरुद्वारा दी सेवा संभाल वह वक्खरे झंडे हैगे ने। जिहड़ा कह सकदे कि धर्म ते सियासत दे नाल जिहड़ा जुड़िया मुद्दा वह ये कि पंज प्यारियां दा जिहड़ा मसला किवें हल किया जाए। जी जी जगतार, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल की जानकारी देने के लिए। फिलहाल तुसी पूरी जानकारी लेंदे रहना, तुहाडे नाल दोबारा जुड़ांगे। सो SGPC दी चंडीगढ़ दे विच मीटिंग हुई है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक हुई है। बैठक के विच केड़े केड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है इस बारे हाले तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई SGPC प्रधान वालों। सो थोड़ी देर तक पता चल जाएगा कि मीटिंग किस संबंध में हुई। आगे बढ़ते हैं। ड्रग के मामले में पंजाब के DGP का एक वड्डा बयान सामने आया। DGP सुरेश अरोड़ा के मुताबिक किसी भी समाज में ड्रग से भ्रिष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, पुलिस सिर्फ कोशिश कर सकती है। सो पंजाब के DGP सुरेश अरोड़ा का वड्डा बयान सामने आया है। सुरेश अरोड़ा ने कहा है कि पुलिस सिर्फ खत्म करने का भरोसा दवा सकती है, किसी भी समाज के ड्रग से भ्रिष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। सो एक वड्डा बयान सामने आया पंजाब DGP का। किसी भी समाज के विचों ड्रग्स और करप्शन मैं हमेशा ये कहना कि खत्म नहीं हो सकती, लेकिन एज ए पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, एज ए पुलिस ऑफिसर, ये मेरा फर्ज बनता है भी मैं लोगों से विश्वास पैदा कर सका कि असी नूं खत्म करने की कोशिश। जगतार भुल्लर मेरे सहयोगी लगातार सारे नाल जुड़े हुए ने, उन्हां तो जानकारी लवांगे। जी जगतार, जिस तरह नाल पंजाब DGP दा वड्डा बयान सामने आया है नशियां नूं ते भ्रिष्टाचार दे मुद्दे नूं लैके, तां इस बयान नूं की समझा जावे, की गैर जिम्मेवारी वाला बयान कहा जा सकदा है? देखो हर्षन, सब तो वड्डी गल है कि जिहड़ा नशे और जिहड़ा भ्रिष्टाचार दा मुद्दा, उह कह सकदे कि समाज दे विचों ही पनपिया गा और एक एक देश व्यापी समाज व्यापी लहर बनाने की लोड़ हैगी है कि अगर करप्शन जी शुरुआत तो मनुखता तो होंगी है, फिर जाके पॉलिटिशियन कर देने समाज तो शुरू होती है, फिर अफसर करते है तो कि ना कि कह सकते हैं कि एक व्यापी एक समाज सुधार की लड़ है। जोड़ा नशे का मुद्दा यह भी है कि घर चुना नशे खत्म करने पैणगे, तो कितना कितने कह सकता है कि ठीक है पंजाब पुलिस की जिम्मेवारी हैगी, जिम्मेवारी तो नहीं भजा जा सकता, लेकिन कितना कितने कह सकते कि यह भी DGP सुरेश अरोड़ा वालों समाज को सचेत करने का सहयोग दिता है कि यह जे दोने बुराइया है समाजिक बुराइया है, यदा जोड़ा खास भागा वो तद ही हो सकता है जब जी शुरुआत वो समाज को करनी पेगी, क्योंकि जी लोग खुद करप्शन के इनवॉल्वमेंट है उस तो बाद। जी जगतार, सो जिस तरह पंजाब दे सब तो वड्डे पुलिस मुखी दा जो ये बयान इस तरह दा सामने आउंदा है, भ्रिष्टाचार ते नशियां नूं खत्म करन दे विच पुलिस सिर्फ भरोसा दे सकदी है, सो इहदे नाल किते ना किते ये भी डर है कि समाज दे विच नशा करन वालियां दी जां भ्रिष्टाचार फैलाउण वालियां नूं शह मिल सकदी है इस बयान तो बाद। देखो सब तो वड्डी गल जे नशा है, शराब थां थां खुले आ गए वो बंद करेगी पंजाब सरकार, शराब एक नशा है और पंजाब सरकार को घटो 3 करोड़ जी आमदनी शराब तो होंगी है, तो कितने कि सरकार की जिम्मेवारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी है कि इन रोकों रोक लगावे, पर ना कि लोगों का जोड़ा सहयोग
वह ज्यादा जरूरत है। तो शायद इसे करके जो डीजीपी समिथ सुरेश अरोड़ा की बयान आए हैं कि लोगों नाल लोड़ने जतन किए, लेकिन नाल उन्होंने कहा कि बतौर डीजीपी उस खात्मे बुराइयों खत्म करने तत्पर भी है, लेकिन कितने कितने कह सकते कि जी शुरुआत है करनी पड़ेगी, फिर ही जाके इस दोनों बुराइयों को खत्म किया जा सकता जी। बिल्कुल जगतार, सो पुलिस दी ते प्रशासन की पूरी जिम्मेवारी बनती है जो समाज के कुरीतियां खत्म करने के लिए। जगतार तुसी लगातार साडे नाल इसे तरह बने रहना। फिलहाल एक होर खबर आ रही है, उधर सुखबीर बादल वालों बठिंडा रैली दौरान ड्रग मामले विच भगवंत मान दे टिप्पणी करन तो बाद भगवंत मान ने सारियां पार्टियां दे आगुआं नूं डोप टेस्ट करवाउण दी चुनौती दित्ती सी। भगवंत मान दे इस बयान ते मुख्यमंत्री बादल ने भगवंत मान नूं पहलां अपना डोप टेस्ट करवाउण दी नसीहत दित्ती है। तुहाडी पार्टी दे कुछ लीडर पिछले कई दिनों तो साडी पार्टी बारे ते साडी पार्टी दे लीडरां बारे खास तौर ते मेरे बारे कुछ निजी बेबुनियाद ते झूठे इल्जाम ला रहे, तो जे तुहानूं लगदा है कि साडे इल्जाम सही ने तो फिर मैं तुम्हें चैलेंज करता कि तुम भी अपनी लीडरशिप लेके आओ, असी भी आवेंगे, कांग्रेस वाले भी बुला लेंगे, आप सारे लीडर का डोप टेस्ट करवाइए। भगवंत मान ने कहा कि डोप टेस्ट करवाए जाए चाहे अकाली ने चाहे कांग्रेसी ने, और कहते सुखबीर बादल जी का भी डोप टेस्ट कराया जाए नशे दे, नशे दे चेकिंग वास्ते भगवंत मान ने। भगवंत मान जी को खुद ही देख लेना चाहिए जी डोप टेस्ट करा के रिपोर्ट कर। मेरे सहयोगी जगतार भुल्लर लगातार साडे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने। जी जगतार, जिस तरह सुखबीर सिंह बादल ने बठिंडा रैली तो शुरुआत की सी और उस तो बाद वार पलटवार शुरू हो गए ने डोप टेस्ट की हुण गल की जा रही है, तो की कह सकते हैं कि नशियां दे मुद्दे ते जां डोप टेस्ट के मुद्दे ते हुण राजनीति गरमा गई है? देखो अर्शन, कह सकते हैं कि साढ़े जोड़े नेता है पंजाब जो इस मुद्दे से गंभीर नहीं लगते है, क्योंकि इस तो पहला भगवंत मान तो पहला जथेदार तोता सिंह भी कह चुके हैं कि डोप टेस्ट होना चाहिए पॉलिटिशियन का, क्योंकि रोल मॉडल है समाज के और किसी भी नेता भजना चाहिए। अगर भगवंत मान ने अपने आप से मने को डोप टेस्ट देने तैयार है, लेकिन बशर्ते कि अक्रॉस द पार्टी सारे नेता खास करके उन्हें सुखबीर सिंह बादल का नाम लिया, अगर कोई सच्चा है तो शुरुआत किसी को करनी पड़ेगी कि मैं कोई भी नशे नहीं करता है और लोगों के सामने जनतक है, लेकिन कितना कितने कह सकते हैं कि भगवंत मान के इस बयान से जो उससे लगातार चाहे कांग्रेस पार्टी वालों चाहे अकाली दल वालों हमले हो रहे थे उन्होंने हमलों का जोड़ा कह सकते कि रुख पलट दिता है, तो हूँ जोड़ा मामला ये अकाली दल की कचहरी में जा चुका, उन्होंने पाले च कह सकते कि गेंद जा चुकी है, तो हूँ हर बार जोड़ा जवाब आ क्योंकि सत्ताधारी पार्टी अकाली दल अकाली देना पे चाहे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सूबे के मुख्यमंत्री या फिर सुखबीर सिंह बादल कितने कितने किस शुरुआत करनी पे हैगी कि जेडे पंजाब के नेता है और नशा नहीं करते गए, और इससे जिस तरह डीजीपी सुरेश अरोड़ा जी बयान आए गए नशे के मामले कितने कितने कह सकते कि जी बिल्कुल कहा जा सकता है कि हुण जो एनी दिनी जां अज दे दिन तो लैके उस दिन तो लैके नशे का मुद्दा जेड़ा गरमा गया चाहे डीजीपी सुरेश अरोड़ा का बयान होवे ते नाल ही जो सियासी पार्टियां ने वह डोप टेस्ट की गल कर रही ने। जगतार पूरी जानकारी देने वक्-वक् मुद्दों ते बहुत बहुत धन्यवाद। अगे लुधियाना पुलिस ने वड्डा खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि कोकिन मामले विच फड़े गए तीन नौजवानों विचों बशीर खान नामी व्यक्ति के दहशतगर्दा नाल भेद भरियां गतिविधियां विच शामिल होने का इल्जाम है। पुलिस की टीम इस संबंध में जम्मू कश्मीर भी जाएगी। बशीर नूं एतवार शाम नूं तकरीबन 2.5 किलो कोकीन दे समेत फड़िया गया सी। बशीर नूं दहशतगर्दा नूं पनाह देने दे लई 1 साल की जेल की सज़ा भी हुई सी। हमने तीन पकड़े थे कोकीन के संबंध में, कश्मीर के रहने वाले जिला शोपिया के रहने वाले थे, इनसे हमने 2 किलो 300 ग्राम कोकीन फड़ी थी, लेकिन जब हम इसके पीछे तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन जांच कर रहे हैं, जांच के दौरान सवीर है जो इसके मिलिटेंसी के साथ संबंध थे और ये बशीर खान इसके बशीर खान के मिलिटेंसी के साथ संबंध थे। सो लुधियाना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मुद्दे से ज्यादा जानकारी नवीन शर्मा मेरे सहयोगी लुधियाना तो साडे नाल फोन लाइन से जुड़ गए हैं। जी नवीन, जिस तरह पुलिस ने वड्डा खुलासा किया है, जानना चाहेंगे किस तरह इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया पुलिस ने, हुण अगे पुलिस की की कार्रवाई रहेगी? देखो हर्ष, ये जो बरामदगी हुई कोकीन की, क्योंकि भारी मात्रा से कोकीन बहुत घट जी है, यदि समगलिंग जोड़े समगलर होंगे ने बड़ी सावधानी, क्योंकि पुलिस का नाका लगा हुआ सी, तीन कश्मीरी अल्टो कार दे विच सवार होके आ रहे थे लाडोवाल के कोल, पुलिस ने तिना गिरफ्तार किया, कोकीन मिली, उस तो बाद पुलिस ने पूरी तहकीकात की, क्योंकि तीनों कश्मीर पुलिस को शुरू तो शक से कि किधर ना किधर
जिहड़ा बशीर है बशीर दे उत्ते पूरी पुछगिछ की जा रही थी, रिमांड से लिया होया सी। उस तों बाद जदों पुलिस ने अज खुलासा किया तो पुलिस ने दस्सिया कि जिहड़े दहशतगर्दी ने उन्हां दी गतिविधियां दे विच कई वारी काम कर चुकिया ते हुण जिहड़ियां टीमां गठित कीतियां जम्मू कश्मीर टीमां जाणगियां, लुधियाणा पुलिस ने टीमां गठित कीतियां ने, और बशीर खान दे घर जाणगियां, घर दी पूरी तलाशी लई जाएगी, होर उस इलाके दे विच पुलिस प्रशासन नाल गलबात की जाएगी किहो जिहियां गतिविधियां दे नाल जिहड़े ने बशीर बशीर खान दा संबंध सी। उस तों बाद होर भी कई खुलासे होण दी उम्मीद है हर्ष, ते आण वाले दिनों दे विच लुधियाणा पुलिस इस दे उत्ते होर भी खुलासे कर सकदी है, क्योंकि किधर ना किधर कि इह वी दस्सिया इह वी कहा जा रहा है कि इह किधरे पुलिस दी भाल तां नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर दी पुलिस इस दी भाल तां नहीं कर रही, इह वी जांच दा इक जिहड़ा है अगे पुलिस दी प्रतिक्रिया है, ते पुलिस जम्मू कश्मीर लई रवाना होवेगी, उत्थों दी जम्मू कश्मीर भी पुलिस जाएगी ते डुंगाई नाल पूरे मामले की जांच करेगी। एक लंबे समय बाद आज मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल खडूर साहिब इलाके विच संगत दर्शन कर रहे ने। संगत दर्शन दे दो दिनी प्रोग्राम दा अज पहला दिन है। संगत दर्शन दौरान मुख्यमंत्री दा विरोध भी होया है। दो तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हां, एक पासे संगत दर्शन। तुहानू दस दईए कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी मामलियां तों बाद पंजाब दे हालात सुखावें होण तों बाद मुख्यमंत्री बादल पहली बार संगत दर्शन कर रहे ने। संगत दर्शन नूं खडूर साहिब जिमनी चोण दे लिहाज नाल भी अहम मन्निया जा रहा है। उधर नाल ही यह खबर भी आ रही है कि किसान भी कालियां झंडियां लैके संगत दर्शन वल वध रहे सन। दो तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो, एक पासे मुख्यमंत्री बादल दा संगत दर्शन है खडूर साहिब इलाके विच, और दूसरे पासे किसानां दा विरोध है। किसान कालियां झंडियां लैके संगत दर्शन वल वध रहे सन तां दूरों ही उन्हां नूं रोक दिता गया। उधर मुख्यमंत्री ने साफ किया कि खडूर साहिब विच संगत दर्शन जिमनी चोण नूं वेखदिआं नहीं किया जा रहा, बल्कि यह प्रोग्राम तां पहला तो ही तय सी। सो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी दे मामलियां तों बाद जो पंजाब सरकार दा विरोध होया सी, पंजाब सरकार दीआं पंजाब दे वासियां नाल दूरियां वधिया सी, तां कहा जा सकदा कि पंजाब सरकार उन्हां दूरियां नूं नज़दीकियां विच बदलण दीआं कोशिशां विच लगी है। देखो संगत दर्शन जदों दी सरकार बनी है उदों तो चलता रहता है, कोई पहली दफा नहीं होया। ये काफ़ी देर का प्रोग्राम सीगा, परंपरा साहब ने बनाया, फिर कोई गल्लां करके पोस्टपोन हुंदा रहा, इस करके होने शुरू किया। उदों इस MLA ने इस्तीफा भी नहीं देता सी। अगे बढ़ते हैं, बठिंडा रैली विच सुखबीर बादल वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं रैली करन दी चुनौती नूं भावें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कबूल कर लिया, पर मुख्यमंत्री बादल किसी भी चुनौती तो इनकार कर रहे ने। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਚੈਲੰਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ। आज तो पार्लीमेंट दे सर्द रुत इजलास दा आगाज हो गया। इजलास दौरान श्रोमणी अकाली दल वालों केड़े-केड़े मुद्दे चुके जाणगे, इस बारे अकाली दल दे जनरल सकत्तर सुखदेव सिंह ढींसा नाल खास गलबात कीती जी मीडिया पत्रकार पंकज कपाही ने। अकाली दल दे सीनियर आगू अते राज्यसभा मैंबर सुखदेव सिंह ढींसा साडे नाल ने इहनां गलबात करदे आ। सर, अज तो इजलास रुत शुरू हो गया, अगर पंजाब दी गल कीती जावे तां केड़े-केड़े मुद्दे जिहड़े आ उह रहण वाले आ? देखो, पंजाब दे मुद्दे तो असीं हर वारी उठाए ने, फिर करेंगे कि एक तो साडे जिहड़ा गुजराल साहब ने 1984 च जो पैरामिलिट्री फोर्सेस दा खर्चा सी ना, वह पंजाब सिर पाया। साडी इह सी कि वह देश दी लड़ाई सी, ना कि पंजाब दी, इस करके गुजराल साहब ने उन्हें माफ़ कर दिता सी। लेकिन उस तो पहला कई असीं किश्तां भर चुके सी, साडी होएगी रिक्वेस्ट कि वह ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ NDA ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਤਕੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁੜਨ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪੀ ਦੁਨੀਆ ਜੱਜ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਹਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਸਰ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਫੜਿਆ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਵਾਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਦਰਅਸਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਧੰਨਵਾਦ